सिंगरौली जिले में एनटीपीसी विंध्यनगर में फिर एक बड़ा हादसा हुआ है। एक बिल्डर की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी के अंदर ही ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौत हुई है, जबकि पुलिस का कहना है कि शख्स के ऊपर प्लेट गिरने से मौत हुई है। हैरानी की बात यह है कि घटना कल दोपहर की बताई जा रही है, इसके बावजूद एनटीपीसी प्रबंधन घटना को लेकर अनजान बना बैठा है। जबकि आज मीडिया में खबर आने के बाद एनटीपीसी प्रबंधन आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी है। उधर पुलिस का कहना है कि एनटीपीसी से लिखित में घटना की कोई जानकारी नहीं मिली है। इधर आज सुबह से ही लेबर गेट पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी का कहना है कि सतेंद्र उपाध्याय कंपनी में लंबे समय से काम कर रहे थे, कल सुबह ड्यूटी के लिए निकले थे, तब से अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। मृतक के दो छोटे बच्चे भी हैं, परिवार का सहारा करने के लिए कोई नहीं है। सवाल ये है कि आखिर एनटीपीसी प्रबंधन कल की घटना को आज तक क्यों छुपाए रखा। इस पूरी घटना के बाद प्रबंधन या पुलिस क्या जांच करती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अजीत दुबे की मौत 3 महीने पहले एनटीपीसी में ही हुई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट का सबको अभी तक इंतजार है। 1 BPL एनटीपीसी विंध्यनगर में लगातार इस तरह के हादसे होते रहते हैं, लेकिन ना तो प्रबंधन ना ही जिला प्रशासन इस तरफ कोई सख्त कार्यवाही कर पाया है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी कमी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिला प्रशासन के ज्यादातर अधिकारी एनटीपीसी के रेमो करम पर उसके कॉलोनी में रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSRS न्यूज़, सिंगरौली।